और आज से आपको हम मान्यवर के रूप में देखेंगे। शेल सर बिल्कुल ठीक, दरअसल एक आई क्यू आज के साथ जो स्माइल स्क्रीन पे आती है वो काबिल तारीफ होती है। अच्छा, आज से एक प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग की शुरुआत हो रही है, वेदांत फैशंस इस कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। आज खुलेगा, मंगलवार तक कंटिन्यू करेगा। 824 से 866 रुपए का प्राइस बैंड, एक रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर, 3150 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रहे हैं और इंटायरली एक ऑफर फॉर सेल है, यानी कि करंट शेयर होल्डर्स अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे। तो ये जो 3150 करोड़, 3149 करोड़ रुपीज दरअसल टू बी प्रिसाइज, तो 3150 करोड़ का 50% जो है वो प्रमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे। 92% पे है, रिड्यूस करके 85% पे करेंगे और बचा हुआ 50% जो है दरअसल पी फर्म है केदारा, वो कंप्लीटली एग्जिट करेगी। उसका इस समय 7.5% हिस्सा है, वो सारा चंक अपना बेच रहे हैं। ये कंपनी अपर एंड पे करीब 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कर रही है। और बिजनेस समझा देता हूं, शायद वेदांत फैशन से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये कंपनी इस देश की लीडिंग या कहा जाता है लार्जेस्ट मेंस इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन वेयर वाली कंपनी है। इसके ब्रांड से शायद ज्यादा क्लिक हो, एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं जिसमें मेंस में मान्यवर है जो मिड प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता है। इसके अलावा त्वमेव और मंथन करके वैल्यू प्रीमियम ब्रांड्स हैं और विमेन ब्रांड्स में मोहे है जो कि एक और मिड प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करने वाला। तो दरअसल कुर्ता, शेरवानी, जैकेट्स और एक्सेसरीज वगैरह बनाने का काम, पर लार्जली जिससे हम जानते हैं इस कंपनी को, मान्यवर FY21 में कुल रेवेन्यूज का 84% वहां से आया और इस कंपनी की लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज फ्रेंचाइजी ओन्ड एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स EBO जिसे हम कहते हैं वहां से आती है। 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल फुटप्रिंट, 535 एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स 212 शहरों में इस देश के, इंक्लूडिंग इसके साथ साथ जोड़ दीजिए 11 EBOs जो कि US, कनाडा और UAE में। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। FY16 से FY20 के बीच का आय में 16%, EBITDA में 27 और लाइकवाइज मुनाफे में 27% का CAGR। FY18 ऑनवर्ड्स नेट कैश कंपनी, 17 शेयरों का लॉट, एक लॉट के लिए 14,722 रुपए शेल आउट करने पड़ेंगे। ये कंपनी लाइकली है, कैलकुलेशन कहता है 16 फरवरी को लिस्ट करेगी और वैल्यूएशन के हिसाब से 100 के पीई के ऊपर, पर इसके हाँ महंगा। और लेकिन इसके सारे पीयर्स शेल्सर देख रहा था FY22 एक साल फॉरवर्ड, सब ऐसी इतने महंगे, वो पेज वगैरह सब ऐसी ट्रेड करते हैं। पेज के पीछे से तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस हम लोग पिछले 15-1 साल से देख रहे हैं, उसके रिटर्न रेशियोज जाने जाते हैं बिल्कुल। और आपको 108 के पीई पर पूरा का पूरा OFS दिख रहा है, पूरा का पूरा OFS। लेकिन पेज, गो फैशन, TCNS, ट्रेंड, इन सब के वैल्यूएशन आजकल गजब हो रहे हैं। और रेवेन्यू जो है, अगर आप FY22 का जो 6 महीने का रेवेन्यू है उसे डबल कर दें तो वो आता है लगभग 720 करोड़, मुकाबले जो आपने पीक रेवेन्यू देखा था FY20 का 916 करोड़। चलिए यहाँ पर आस्था जी को जोड़ते हैं और वो IPO की दुनिया में हर IPO आपको ट्रैक करती हुई दिखती है। नमस्कार आस्था जी, बताइए यहाँ पर शॉपिंग बेहतर है मान्यवर के शोरूम्स में या यहाँ पर IPO में पैसा लगाना चाहिए? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी एंड वीरेंद्र जी। देखा जाए तो शॉपिंग तो बिल्कुल मान्यवर के शोरूम से अच्छी ही है, स्पेशली मेंस वेयर की अगर हम बात करें। और अगर मैं यहाँ पे IPO की भी बात करूँ तो मेरे हिसाब से मुझे IPO लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब की रेटिंग है क्योंकि एक तो ब्रांड रिकॉल बहुत हैवी है। अगर मेंस वेयर, एथनिक मेंस वेयर की बात आती है तो सीधा ध्यान मान्यवर का ही आता है, तो वहां पे है कंपनी का असेट लाइट मॉडल है क्योंकि ये पूरा EBOs, MBOs के थ्रू ये लोग पूरा अपना सोर्सिंग करते हैं, प्लस फ्रेंचाइजी मॉडल भी बहुत सॉलिड है। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो शैलेंद्र जी, जो एक चीज मैंने देखी है, इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो इंडस्ट्री लीडिंग है क्योंकि मोर देन 60% ये ग्रॉस मार्जिन्स पे काम करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 40% से ज्यादा है। 2021 जो कि एक कोविड ईयर था वहां पे भी इन्होंने मार्जिन्स 40% से ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन्स दिखाए हैं जो कि शायद जो हम कंपेयर कर रहे हैं अदर प्लेयर्स उनसे काफी आगे है। तो इन सभी पैरामीटर्स पे कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
बात आती है वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, क्योंकि मैं कोई भी पैरामीटर लू, प्राइस टू सेल्स लू, ईवी बाय बिट्टा लू, ईवी बाय सेल्स लू, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल लू, सब पे ये काफी ज्यादा प्राइस्ड लगते हैं। तो एक वो ही कंसर्न है जिसकी वजह से मैं ये लिस्टिंग गेन में जो अगर बात करें तो मुझे लगता है एक लिमिटेड लिस्टिंग गेन होंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा इन्होंने लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सब्सक्राइब की रेटिंग है, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ लगा सकते हैं वो डेफिनेटली इस आईपीओ में लगाएं। लिस्टिंग गेन्स बहुत ज्यादा बड़े होने की तो उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि प्राइसिंग यहाँ पे काफी ज्यादा की है, लेकिन आगे जाते हुए अगर फ्यूचर फोरकास्टिंग अच्छी रही तो मार्केट हो सकता है इसको थोड़ा वैल्यूएशंस और ज्यादा दे दे लिस्टिंग के दिन, पर उसे नहीं मद्देनजर रखते हुए, लॉन्ग टर्म के मद्देनजर रखते हुए तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। जी आस्था जी, आप जरा हमारे साथ जुड़ी रहिए। जब आपने आशीष जी यहाँ पर चर्चा शुरू करी, ये ब्रांडेड इंडियन वेडिंग वेयर ब्रांड की चर्चा हुई। अब ध्यान दीजिए, जो शादियों का तारा होता है वो पूरे साल नहीं रहता, तो इनके जी हाँ, तो इनके जो रेवेन्यूज होंगे वो लंपी होंगे, यानी कि समझिए ज्यादातर सेल्स आपको आती हुई दिखेंगी एक स्पेसिफिक तिमाही में, जब आपको शादियां ज्यादा दिखती हैं भारतवर्ष में, तो मेरे ख्याल से वो भी एक ओवरराइडिंग फैक्टर होगा। और इस वक्त आप देखिए बाजार जरा असमतल है, और यहाँ पर आप ओएफएस ला रहे हैं पूरा, वैल्यूएशन जो आस्था जी कह रही हैं कि वो ऊपरी लेवल पर हैं, तो आप खुद ही अकलमंद हैं और सोच समझकर आप यहाँ पर निवेश कीजिए। आस्था जी की राय है कि शायद जो ट्रेडिशनल आईपीओ बाउंस हम लोगों ने देखा है हमेशा लिस्टिंग पर, वो ना मिले और लंबी अवधि में यहाँ पर पैसा लगाया जाता है। आस्था जी, मान्यवर की आपने चर्चा करी, लेकिन जो मोहे का शोरूम है वहां पर आप शॉपिंग करती हैं? हाँ, आपको सुन के सरप्राइज होगा शारद जी, मैं मान्यवर से ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, मेरे फादर के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मोहे से नहीं। और एक यही चीज मैं आपको बताती हूँ कि